आज हम बनाने वाले हैं सोया बड़ी की सब्जी, जो एकदम टेस्टी बनती है और हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ये प्रोटीन से भरपूर है। तो चलिए अब हम सोया बड़ी को सबसे पहले बॉईल कर लेंगे। ये मैंने ली है एक बाउल भर के सोया बड़ी, और वजन में देखे तो 150 ग्राम है, तो हम इसे बॉईल कर लेंगे। तो सोया बड़ी को मैंने एक पतीली में ले लिया है और पानी भी डाल दिया है। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और इसे हम 10 मिनट तक उबाल लेंगे। तो ये हमारी सोया बड़ी बॉईल हो गई है, आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से फूल गई है, और मैंने इसका सारा पानी निचोड़ दिया है अच्छे से। तो अब हम इसे ले लेंगे मिक्सर जार में, इसे हमें क्रश करना है। तो पहले हम हाथ ही सोया बड़ी लेके क्रश कर लेंगे, बाद में दूसरी डालेंगे। तो हमने सभी सोया बड़ी को क्रश कर लिया है, इस तरह से एकदम बारीक क्रश करना है। तो अब आगे की प्रोसेस कर लेंगे। तो अभी मैंने लिए 10 से 15 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 लाल मिर्च, 3 तीखी वाली हरी मिर्च, धनिया और पुदीने के पत्ते 1 बाउल जितने, 1 बड़े साइज के प्याज के टुकड़े कर लिए हैं। तो अब इन सब को मिक्स करके हम मिक्सी में क्रश कर लेंगे। तो हमने मिक्सर जार में पेस्ट बना ली है, हमने सोया बड़ी क्रश की थी वो हमने एक बड़े से बाउल में ले ली है। तो अभी हम इसमें ये पेस्ट डाल देंगे, सारे पेस्ट डाल देंगे। और अब हम डालेंगे इसमें ड्राई मसाले। तो इसमें लिया है हमने स्वाद अनुसार नमक, 1 बड़ी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1/4 टेबल स्पून डाली है हमने हल्दी, आधा चम्मच डाला है गरम मसाला। तो सारे मसाले इसमें डाल देंगे। और ये हमने लिया है 5 बड़े चम्मच बेसन, वो भी डाल देंगे। अब हम इस सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। इसमें हमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, अच्छे से मसाले मिक्स कर लेंगे। तो हमारा ये मिश्रण तैयार हो गया है, इसके हमें कोफ्ते बनाने हैं। तो कोफ्ते बन पाए उतना बाइंडिंग आना चाहिए, अगर आपको कम लगे तो बेसन और ज़्यादा डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोफ्ते तलने के लिए तेल गरम रख देंगे, उसके बाद एक साइड इसका कोफ्ते बना लेंगे। तो हमने एक साइड तेल गरम रख दिया है, तो हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। इतना कोसन लेंगे, आप जितनी बड़ी साइज के कोफ्ते बनाना चाहते हो उतना बड़ा कोसन ले लीजिए। मैं मीडियम साइज के बनाने वाली हूँ, इतने बड़े अच्छे से इस तरह गोल बना लीजिए। आप जिस शेप के बनाने चाहते हो उस शेप के बना सकते हो, होल भी बनाना चाहते हो तो ये भी अच्छे लगेंगे इस तरह के। इस तरह के भी बन सकते हैं, और गोल बनाना चाहते हो तो गोल भी अच्छे लगते हैं। इस तरह का गोल भी बना सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। तो हमारे सारे कोफ्ते बन गए हैं, अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। हमारा तेल भी गर्म हो गया है तो फ्राई कर लेंगे। तो अब हम इसे धीमी आंच पे फ्राई कर लेंगे। याद रखें गैस की आंच हम बिल्कुल धीमी रखेंगे, वरना ये बाहर से तो पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। धीमी आंच पर इसे फ्राई करेंगे तो अंदर से भी अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। तो अभी हमने 5 से 6 कोफ्ते डाल दिए हैं और धीमी आंच पर इसे पकाते जाएंगे।
आप इसमें रेड फूड कलर डालना चाहते हो तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन ये ऐसे ही अच्छे बनते हैं। इसका हमें डार्क गोल्डन कलर आ जाए तब तक फ्राई करना है। इसे हम सभी तरफ से उलटते पलटते फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कोफ्ते का कलर बहुत ही अच्छा आ गया है, गोल्डन हो गया है। तो बस इस तरह के कोफ्ते हमें चाहिए। अभी हम इसे निकाल देंगे और सारे कोफ्ते इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो जब तक हमारे कोफ्ते एक तरफ फ्राई होते हैं तो उतने देर में हम ग्रेवी भी बना लेंगे। तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 3 बड़े साइज के प्याज के टुकड़े कर लिए है, 1 बड़ा टमाटर, 2 हरी मिर्च तीखी वाली, धनिया पत्ता और पुदीना, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 1 अदरक का टुकड़ा। इन सभी चीजों को मिक्सर जार में पीस लेंगे। तो हमने सभी चीजों को क्रश कर लिया है। तो अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेंगे। तो हमारे सारे कोफ्ते भी फ्राई हो गए हैं, लेकिन हम ये सारे सब्जी में नहीं डालने वाले हैं। मेरे घर में फ्राई किए हुए कोफ्ते भी सबको बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़े ज्यादा ही बनाए हैं। बच्चे बहुत खाते हैं इसे। तो अभी हम इसमें से 7 से 8 कोफ्ते इसमें डाल देंगे। तो मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई में ऑयल गर्म रख दिया है। ये ऑयल हमने जो कोफ्ते फ्राई किए थे वही वाला ऑयल मैंने यूज कर लिया है। तो मैंने 4 चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे खड़े गर्म मसाले, 1 तमालपत्र, 1 तज का टुकड़ा और 4 लौंग। इसे हम फ्राई होने देंगे। फ्राई हो गए हैं, अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने ग्रेवी बनाई थी ऑनियन टोमेटो की। तो अब हम इस ऑनियन टोमेटो को तब तक भूनेंगे जब तक ऑयल ऊपर ना आ जाए। ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए, हिलाते रहेंगे इसी तरह से। तो ये ऑयल ऊपर आ गया है, अब हम डाल देंगे ड्राई मसाले। तो ड्राई मसालों में मैंने लिया है स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। तो सभी मसाले हम डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ये ग्रेवी हम बना रहे हैं आसान तरीके से बन जाए ऐसी ग्रेवी, जो बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाती है। तो मसालों को भी हम अच्छे से भून लेंगे ऑयल ऊपर आने तक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हिलाते रहेंगे। तो ये हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी 1/2 गिलास और पानी डाल देंगे। तो अब हम इसे तेज आंच पर ही उबलने देंगे। तो ये ग्रेवी हमारी अच्छे से उबलने लगी है। अब हम इसमें 7 से 8 कोफ्ते डाल देंगे। गैस की आंच थोड़ी धीमी कर देंगे थोड़ी देर के लिए। ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और प्रोटीन से भरपूर है, तो बच्चों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। एक आधा गोल भी डाल देंगे। हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेंगे।
हफ्ते अच्छे से मिक्स हो गए हैं, तो अभी हम इसे ढक देंगे और ढक कर तेज आंच पर इसे 5 मिनट तक पकाएंगे और हमारी सब्जी तैयार। तो ये हमारी सोया वड़ी की स्वादिष्ट कोफ्ता करी तैयार हो गई है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे सर्व कर देंगे। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।